दोस्तों नमस्कार। तो आईपीएल 2024 में एक अच्छा प्रदर्शन ना होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा नाम, जिस टीम की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है मुंबई इंडियन। और क्यों ना हो, क्योंकि 5 टाइम के चैंपियंस रहे हैं और 2024 में तो उन्होंने कप्तान बदल दिया, यानी कि रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या के हाथ में कमान दी गई। लेकिन टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, सिर्फ 4 ही मैच जीत पाई पूरे सीजन में यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम, जो कि चैंपियन टीम है। अब मेगा ऑक्शन है रिटेंशन के लिए, अभी बीसीसीआई का कोई फरमान तो आया नहीं है कि कितने खिलाड़ी रिटेन होंगे, लेकिन जो वही पॉलिसी जो अभी तक चलती आई है, 4 प्लेयर रिटेन करने वाली पॉलिसी, अगर वही पॉलिसी रहती है तो रिटेंशन के लिए सबसे ज्यादा फंसते दिखाई देगी यहाँ पर मुंबई इंडियंस ही, क्योंकि इनके पास 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो चारों प्रथम श्रेणी में रिटेन होने वाले खिलाड़ी हैं। अब कौन दूसरे पे जाएगा या कौन तीसरे पे, इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा है। कई बार तो जिक्र ये हुआ कि सूर्य कुमार यादव से कोलकाता का ट्रेड हो सकता है, कई बार जिक्र हुआ कि रोहित शर्मा वहां पर नहीं रहेंगे, लेकिन रोहित शर्मा को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी, सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि रोहित शर्मा से पिछले सीजन कप्तानी ले ली गई थी, उसके बाद हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, उसके बाद रोहित शर्मा ने T20 संन्यास भी ले लिया। हालांकि प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आई थी, और 24 में 170 और 180 जरूर लगाया था रोहित शर्मा ने, और 155 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी थी। लेकिन जब अश्विन ने रोहित शर्मा का जिक्र करते हुए बोला कि रोहित शर्मा मुंबई छोड़कर नहीं जाने वाले, मुंबई में रहेंगे, उन्होंने जिक्र किया कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। रोहित का हवाला देते हुए अश्विन कहते हैं कि रोहित शर्मा 5 बार की मुंबई चैंपियंस के प्लेयर हैं, चाहे उन्हें कम पैसों पर रखा जाए या फिर उनको कप्तानी ना दी जाए, फिर भी रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के ही पार्ट रहेंगे, मुंबई इंडियंस छोड़कर नहीं जाने वाले। रोहित शर्मा के लिए पैसा मायने नहीं रखता, उनकी टीम मायने रखती है। हालांकि अभी तक जो भी बातें चल रही थी इसके बारे में, रोहित शर्मा के बारे में, और रोहित शर्मा के बारे में जिक्र ये था कि रोहित शर्मा को टीम रिटेन नहीं करेगी, रोहित शर्मा ऑक्शन के टेबल पे आएंगे। लेकिन अगर रोहित शर्मा ऑक्शन के टेबल पे आते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्शन किस तरह से फूट के निकलेगा, क्योंकि जो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस रही है, हालांकि अच्छा प्रदर्शन ना करने के बाद मुंबई इंडियंस में भी रोहित शर्मा का अच्छा प्रदर्शन था। T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा की जो बल्लेबाजी थी, आपने श्रीलंका सीरीज पे भी देखा होगा जिस तरह से सभी बल्लेबाज लड़खड़ा रहे थे, पारी चला नहीं पा रहे थे, वहां रोहित शर्मा 180 और 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो रोहित शर्मा का ऑक्शन में आना यानी कि बहुत ही बड़ा, यानी कि सबसे हाईएस्ट खिलाड़ी, महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं। और जहां तक अश्विन ने इस बात को खारिज करते हुए कहा है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो रिटेंशन के लिए मुंबई इंडियंस के साथ ही रहेंगे, उन्हें उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता और मुंबई इंडियंस के साथ ही बने रहेंगे। अलग क्या है इस पे आपकी राय, क्या रोहित शर्मा सचमुच मुंबई इंडियंस के साथ रहने वाले हैं या फिर ऑक्शन में आप उनको देखना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा इस बात में। तब तक के लिए धन्यवाद।